फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल लाइन ऑफ पाइथन कोड का यूज करके। सबसे पहले उसके लिए हमें यहाँ पे एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आप लोग अपना टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लीजिए और उस मॉड्यूल को आप लोग को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कमांड रन करनी होगी, पिप इंस्टॉल पाई वॉट किट। जैसे ही आप लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आप लोगों का मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा हुआ। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे आके बस लिखना होगा इम्पोर्ट पाई वॉट किट। इतनी चीज आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक मैसेज को अगर सेंड करना है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा पाई वॉट किट डॉट सेंड वॉट मैसेज। ओके, सेंड वॉट मैसेज। और इसके अंदर फिर आप लोगों को यहाँ पे उस नंबर को पास करना होगा जिसके ऊपर आप लोग मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, और वो नंबर आप लोगों को विद कंट्री कोड सेंड करना है, जिस तरीके से कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ +91। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ जिसपे कि मुझे व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करना है। ओके, और उसके बाद फिर मुझे अगले पैरामीटर में उस मैसेज को टाइप करना होगा जो कि मैं सेंड करना चाहता हूँ या फिर शेड्यूल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ हेलो होम। ओके, ये मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसके बाद फिर आप लोगों को क्या लिखना है, इसके बाद फिर आप लोगों को उस टाइम लिखना है जिस टाइम पे आप लोग इस मैसेज को सेंड करना चाहते हैं या शेड्यूल करना चाहते हैं, और वो टाइम आप लोगों को 24 आवर के फॉर्मेट में ही लिखना होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है करेंटली 17:43। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइम, आवर्स में हम लोग को सबसे पहले डालना है 17 और उसके बाद फिर कॉमा करके आप लोग को मिनट डालने हैं। तो मैं मिनट में डाल देता हूँ 44। ओके, 45 डाल देते हैं, चलिए फॉर सेफर साइड। और उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जस्ट इस पाइथन की फाइल को रन करना। तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि इन 54 सेकेंड्स व्हाट्सएप विल ओपन एंड 20 सेकेंड एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स मैसेज विल बी डिलीवर्ड। मतलब कि अगले 54 सेकेंड्स के अंदर व्हाट्सएप ओपन होगा और उसके बाद विद इन 20 सेकेंड्स आपका जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। तो तब तक का हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं, और तब तक मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप और देता हूँ कि अगर आप लोग व्हाट्सएप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट करना चाहते हैं या ज़्यादा फीचर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को जस्ट व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आप लोगों को साइन इन करना होगा। उसके बाद आप लोग वहाँ पर ग्रीटिंग मैसेजेस और अवेक मैसेजेस भी आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं जो कि व्हाट्सएप बिजनेस के काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। तो चलिए बस ये ओपन हो ही चुका है, अब आप देख सकते हैं व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन होके आ चुका है और अब 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर पाइथन जो है वो आपका मैसेज सेंड कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ भी आ चुका है हेलो होम, और अब विद इन 20 सेकेंड्स ये यहाँ पे डिलीवर भी हो जाएगा। तो वेट करते हैं फॉर 20 सेकेंड्स, बट आई थिंक ये उससे पहले ही सेंड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये विद इन 20 सेकेंड्स भी नहीं, विद इन 10 सेकेंड्स ही सेंड हो गया। ओके, सो इस तरीके से आप लोग भी अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं या शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें कि आप लोगों को इसे ग्रुप्स में सेंड करना है तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पे लिखना होगा _2_ग्रुप। जैसे ही आप लोग ये लिख देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को जो मोबाइल नंबर है उसकी जगह पे आप लोगों को डालना होगा आपके ग्रुप का नेम। इतना डालने के बाद आप लोगों को बाकी के 3 पैरामीटर सेम डालने हैं और जो आपका मैसेज था वो आपके ग्रुप पर भी सेंड हो जाएगा। और अब मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था एक सिंगल लाइन ऑफ पाइथन कोड में ये चीज होगी, बट यहाँ 2 लाइन का कोड लिख गया है। बट आप देख सकते हैं पहली लाइन तो सिर्फ यार एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं था उसका। तो फिर भी अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ पे इसको एक सिंगल लाइन में कर देता हूँ, सेमी कोलन का यूज करके मैंने इसे स्प्लिट कर दिया है और 2 लाइन का कोड एक में खत्म हो चुका है। ओके, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्दी पहुंचती रहे। और अगर आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखना है या उसे और ज़्यादा इंप्रूव करना है तो आप लोग हमारी इस पाइथन की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अभी तक अपलोड कर दी हैं। आप लोग इसे भी एक्सेस कर सकते हैं और अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलेंगे जल्दी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, keep developing.